शुक्रवार का दिन है और ठंड बहुत ही है कि पानी भी बर्फ बन जाए। उसी दिन घर में एक खून हो जाता है। पुलिस वहां पर आती है और सभी संदिग्ध लोगों को बुलाती है। सभी लोगों ने एक एक करके जवाब दिया कि वह क्या कर रहे थे। वाइफ ने बोला कि वह डिनर बना रही थी। कामवाली बाई ने बोला कि वह घर साफ कर रही थी। बटलर ने बोला कि वह स्विमिंग पूल क्लीन कर रहा था और उस इंसान के लड़के ने बोला कि वह टीवी देख रहा था। यह सब सुनने के बाद पुलिस ने तुरंत ही खूनी को पकड़ लिया। आपको बताना है कि खूनी कौन है? उत्तर: खूनी बटलर है। बटलर ने बोला कि वह स्विमिंग पूल क्लीन कर रहा था, पर मैंने शुरू में ही बता दिया था कि बहुत ठंड थी कि पानी भी जम जाए, तो स्विमिंग पूल का पानी भी जम गया था। पहेली दो: जॉन नाम के इंसान का खून हो जाता है। जब पुलिस वहां पर आती है और उसकी वाइफ को पूछती है, तो उसकी वाइफ बताती है कि मैं सो रही थी। उसके बाद पुलिस उसकी वाइफ को बाकी सब लोगों के बारे में पूछती है, तो उसकी वाइफ बताती है कि कामवाली बाई घर साफ कर रही थी, बटलर मेल्स लेने गया था। यह सब सुनने के बाद पुलिस तुरंत ही खूनी को पकड़ लेती है। आपको बताना है कि पुलिस ने खूनी को कैसे पकड़ा? उत्तर: खूनी उस इंसान की वाइफ है। क्योंकि उसने बताया कि वह सो रही थी, तो उसको कैसे पता चला कि बाकी सब लोग क्या कर रहे थे?